सामने आ रही है जहां व्यावसायिक शिक्षकों में आक्रोश, वेतन नहीं मिलने से नाराज दिखाई दिए हैं व्यावसायिक शिक्षक। 10 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है, समग्र शिक्षा कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा गया। कई समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की गई है और साथ ही समाधान न मिलने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई है। व्यावसायिक शिक्षकों की मांग है कि स्वामी आत्मनंद स्कूल की तरह वेतन की उनकी मांग देखी जा रही है। पिछले कई महीने से सैलरी देने की भी मांग की जा रही है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने की भी मांग है। पुस्तकों में त्रुटि सुधार करने की भी मांग व्यावसायिक शिक्षक लगातार करते आ रहे हैं। तो कई समस्याओं से अवगत करते हुए समाधान की मांग, ऐसी कई मांगे हैं जिसको लेकर व्यावसायिक शिक्षकों में अब आक्रोश देखा जा रहा है। तो वेतन नहीं मिलने से व्यवसायिक शिक्षक जो है लगातार नाराज हैं। स्वामी आत्मनंद स्कूल की तरह वेतन की मांग की जा रही है। पिछले कई महीने से वेतन देने की भी मांग की जा रही है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने की भी मांग लगातार व्यवसायिक शिक्षक कर रहे हैं। पुस्तकों में त्रुटि सुधार करने की भी मांग की जा रही है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी व्यवसायिक शिक्षक कर रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, पहली मांगे तो हमारी मैटरनिटी लीव पे है, दूसरी मांगे हैं कि हमको टाइम पे सैलरी नहीं होती। ऐसे यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं जिसको 3-3, 4-4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिली हुई है, तो हम उन मांगों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि सैलरी समय पे मिल सके हम लोगों को। जो भी काम कर रहे हैं जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह है तो उसमें महिलाओं को दिक्कत आती है,